और यही बेस्ट है कि आप 11 बजे तक है ना धारचूला पहुंच जाओ, तो परमिट बना के नेक्स्ट डे आप निकल जाओ। बोले कि 2 बजे अपन है ना आधी क्लास पहुंच जाएंगे। आज अपन जाने वाले हैं ओम पर्वत और फिर उसके बाद में सीधा आधी क्लास, और आज अपन उधर रुकने वाले हैं। और इस पार्ट पे जाते हो आप लोग कभी? हमारा घास काटना यही वाला है पूरा ऊपर तक, पूरा हमारे जानवरों के लिए घास काटने वाला जंगल इसके पल्ले तरफ जाते हैं। पार कर गए हैं। पड़का पड़का पड़ गया, पड़का पड़का पड़ा है रास्ता अंदर। पड़ तो भारी है, पड़ तो बहुत भारी है, बहुत भारी है। शक्ति सिंह जी है खानपुरा। यहाँ से पूरी वादियाँ स्टार्ट हो गई है असली, और मुझे है ना ऐसा फील हो रहा है कि अपन फिर से लद्दाख पहुंच गए। अब मन हवाई निकली है, पंचर हो गया क्योंकि रास्ता देख लो यार सामने कैसा है, सेम ऐसा कैसा रास्ता है। और एक चीज बता दूं, वो पूरा नेपाल है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है करीब 6 डिग्री है। हमको जाना है ऊपर पूरा। खमागणी नॉमेड शक्ति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले आपको हर हर महादेव, जय माता जी की साह। आज का दिन है ना सच में मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी टाइम से सोच रखा था आदि कैलाश का। फाइनली बाबा के दर्शन होने वाले हैं और कैलाश में बाबा रहते हैं हर हर महादेव। वैसे सेकेंड कैलाश है ये, कैलाश मानसरोवर फर्स्ट है, वहाँ पर भी महादेव जल्दी बुलाएंगे अपन को। और ये है देखो धारचूला। सबसे पहले अपन को इधर ही आना पड़ता है यहाँ आने के लिए, जैसे केदारनाथ सोनप्रयाग जाते हैं वैसे यहाँ पे धारचूला आना पड़ता है। यहाँ से है ना परमिट बनता है, परमिट का काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, बने रहना। और सारी अपडेट मैंने पिछली वीडियो में डाल दी है लगभग, और इसमें मैं आपको यहाँ से जर्नी, अपन यहाँ से ओम पर्वत 2 दिन का ट्रिप रहेगा, 2-3 का ट्रिप की वीडियो इसी के अंदर रहेगी। और ये वीडियो मतलब ये ट्रिप ऐसे मान लो कि एक तरीके से शक्ति बना की तरफ से है ना, उनकी वजह से एकदम से फ़ोन आता है, बोले चलना है कहीं महादेव के पास, मैं बोला चलो आदि कैलाश। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अपन रुके हुए हैं। ये यहाँ पे कुछ इनका सामान पड़ा है, यहाँ पे कुछ बना रहे होंगे ये, अपन इसके अंदर रुके हुए हैं। ये होम स्टे है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा है, और सिर्फ 700 रुपये में काफ़ी अच्छा है। अभी अपनी गाड़ी आ जाएगी। और जो कल यहाँ पर बुक की थी टैक्सी, बुलेरो है, उसमें 7 सीटर 8 सीटर, तो आराम से कंफर्टेबल बैठ के जाएंगे। करीब उन्होंने उसका चार्ज किया है 21,000 रुपये 7 जनों का, तो यहाँ से बस बजट सबका हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अपन को टैक्सी करके जाना पड़ता है। आगे रास्ता बहुत ख़राब है और यहाँ के लोकल लोग ही उसमें गाड़ी चलाने के लिए बेस्ट है। आप जाओगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, प्लेन में चला रखे अपन गाड़ी और वहाँ एकदम से चलाएंगे तो काफ़ी रिस्की है, तो टैक्सी बेस्ट है। बाइक भी बहुत रिस्की है, बाइकर्स तो जाते हैं ऑफ रूट करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं ऑफ रूट उनके लिए मुश्किल है, तो देख लेना टैक्सी कर लेना। यहाँ से धारचूला से मिल जाएंगे आपको बहुत सारे लोग जो कि एजेंट वगैरह, आपको आराम से टूर ट्रैवल वाले आराम से मिल जाती है, कोई इसकी ज़्यादा झंझट नहीं है। सब तैयार हो चुके हैं और फिर वहाँ से निकल रहे अपन। चले भैया चले। अब तो स्टार्टिंग में जलवा दिखा दिया राइडिंग का। आओ चला ले भाई गाड़ी सच में। मैं कहीं राजस्थान वाला थोड़ा लंबा रिया करा। कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मैं खिड़की के अंदर से, और करीब मेरे लगता है सुबह सुबह है ना सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। और यही बेस्ट है कि आप 11 बजे तक है ना धारचूला पहुंच जाओ, तो परमिट बना के नेक्स्ट डे आप निकल जाओ। आगे बढ़े नहीं और रास्ता ब्लॉक हो गया, आगे काम चल रहा है इस वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक पड़ा है, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपन, फिर निकल जाएंगे आगे की तरफ। करीब भैया बोले कि 2 बजे अपन है ना आधी क्लास पहुँच जाएंगे। आज अपन जाने वाले हैं ओम पर्वत और फिर उसके बाद में सीधा आदि क्लास, और आज अपन उधर रुकने वाले हैं। होम स्टे की बात कर ली थी, और अपनी गाड़ी है बुलेरो, कंफर्टेबल तो नहीं है लेकिन कहते हैं ना महादेव आसानी से तो मिलते नहीं है, थोड़ा सा परेशानी तो उठानी पड़ेगी भोले बाबा के पास जाने के लिए।
और लाइन से हमारे पीछे पीछे और टैक्सियाँ भी लग चुकी है, सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि यार ये वादियाँ ऐसी है जिसको हम अपने कैमरे में कैद करके ले जाना चाहते हैं कि घर जाके उसको देखना पड़े और देखे आराम से बैठे बैठे याद करे ये पल। राइडर भाई खतरनाक चलाता है यार सच में। जो फोटो वगैरह चल रही है यहाँ पे, वैसे ना रास्ते में सारी चीज़ मतलब सारी फैसिलिटीज़ है। ये देखो यहाँ पे आर्मी कैंप है और मेडिकल है, जिसको भी कुछ भी समस्या होती है पहले ही यहाँ पे चेक करा के आप आगे जा सकते हो, दवाई मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और सच में इधर है ना जो फील हो रहा है ना एकदम लद्दाख का और कश्मीर साइड का, लद्दाख का पूरे देखो नंगे नंगे पहाड़ है यहाँ पे बिना पेड़ पौधों के, क्योंकि इसलिए होता है ना अगर जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है जिस पहाड़ पे मान लो कि वहाँ पे पूरा बर्फ जम जाता है। और देखो फोटो को खींच रहे हैं परिंदर, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शानदार है, ये इंस्टा पे शेयर कर रहा हूँ जाके देखना रील, काफ़ी मजा आएगा। वहाँ से थोड़ी हवा भरा के और थोड़ा सा आगे आगे से जब ही है ना एक खूबसूरत सा विलेज आ जाता है। क्या भाई साहब कौन सा गांव है, कौन सा गांव? बांगला। आप इधर से ही हो तो यहाँ पे सर्दियों में पूरा बर्फ गिर जाता है क्या यहाँ पे? यहाँ बर्फ गिर जाता है। अच्छा, और यात्रा है ना बंद हो जाती होगी वो तो? हाँ जब बर्फ आ गए ये अक्टूबर के बाद तो यहाँ यात्रा नहीं चलती। 31 अक्टूबर के अभी रंग समाज ये पूरा इधर ना 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 यहाँ सर्दल का आगे आगे रंग है ना इससे ऊपर ये इस पहाड़ी के ऊपर। अच्छा इधर और गांव है? इससे ऊपर और बहुत बड़ा बस्ती है यहाँ तो, रंग समाज वाले वही हुए, रंग समाज तो ये वाले हुए, हम तो ये जनरल कास्ट वाली वाली। तो इधर ऊपर जो जाने का रास्ता जंगल से ही या फिर रोड जाता है? रोड बन गया, रोड बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आगे से जो लेफ्ट को जाती है रोड धर्मा वैली जाती है। धर्मा वैली है, धर्मा वैली से आप लगा लो रंग समाज ही रंग समाज मिलेगा, वो पूरा पूरा रंग समाज ऊपर वाला बेल्ट भी बेस्ट है, उधर भी घूमने जा सकता है जाना है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला पार्ट तो जम जाता होगा पूरा। और इस पार्ट पे जाते हो आप लोग कभी? हमारा घास काटना यही वाला है पूरा ऊपर तक, पूरा हमारे जानवरों के लिए घास काटने वाला जंगल इसके पल्ले तरफ जाते हैं पार कर गए हैं। हम तो राजस्थान से है, राजस्थान से यात्रा। हर हर महादेव। नाश्ता करते हैं, क्या बढ़िया कंडीशन ये देखो फोटो। पड़का पड़का पड़ गया, पड़का पड़का पड़े राजस्थान से। पड़को भारी है, पड़को बहुत भारी है, बहुत भारी है। ये शक्ति सिंह जी है खानपुरा। क्यों गांव के आगे डूंगर के लार गणाई गांव में मांगे, मैं तो यहाँ ई डूंगर ने पार कर जावा आदमी के पैदल। यार खतरनाक तरीके का जो पास था भाई साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है ना उमलिंगला पास अपन वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप है मोटरवेल पास बोलते हैं, लेकिन ये पास काफी खतरनाक था और इसकी हाइट कहीं लिखी हुई नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा था। है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एकदम से, मतलब हमारी गाड़ी भी अटक रही थी और गाड़ी में चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पूरा ऐसे ऐसे करके था। सर्दी स्टार्ट हो गई है और देखो अभी मैंने अपना जैकेट डाल दिया, ये जैकेट डिकैथलॉन का है माइनस का, आप भी ले सकते हो डिकैथलॉन से सारे सामान और काफी लॉन्ग समय तक चलते हैं। यहाँ से पूरी वादियाँ स्टार्ट हो गई है असली, और मुझे है ना ऐसा फील हो रहा है कि अपन फिर से लद्दाख पहुँच गए। अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ मैं और सामने ही कुछ दूर के बाद जाने के बाद अपन आज जाने वाले हैं ओम पर्वत और देखते हैं वहाँ पर आकृति बनी हुई है पहाड़ में और यहाँ की प्रकृति ने ओम को अपने गोद में समेट रखा है वहाँ पर और पूरा ओम बना हुआ दिखता है, इतना सुंदर दिखता है वहाँ जाने वाले पर। कहे तो ये देखो यहाँ पर करीब 3 चेक पोस्ट आई थी अपनी और अपने हमारे परमिट जमा करवा दिए और काफी लंबे समय तक अपन को चलना है और अपनी गाड़ी की यार हवा हवा निकल गई है इस वजह से काफी वो हो गया लेट। ये देखो हवा कम होने की वजह से अभी इनके पास जैक नहीं है तो चेंज करने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा रास्ता है अब देखो हमारी खुद की गाड़ी लेके आते तो इसमें काफी दिक्कत हो सकती थी। करीब 5-6 घंटे हो गए अपन को और यहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ियाँ चलती है 4x4, देखो ये दबा के चलती है गाड़ी। यात्रा करके आ रहे हैं, सबके मुंह पे है ना फेस पे स्माइल है यार,
मतलब ये स्माइल मैं भी लूंगा थोड़ी देर बाद में, और आप सभी को दर्शन कराऊंगा। वीडियो पूरी देखना, काफी मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। वो देखो पहाड़, वो देखो पहाड़, हल्की हल्की चांदी है पहाड़ के ऊपर, काफी सुंदर लगती हो। टायर चेंज कर रहे अपन, हवा ही निकली है, पंचर हो गई, पंचर हो गया ना, पंचर होगा क्योंकि रास्ता देख लो यार सामने कैसा है, सेम ऐसा कैसा रास्ता है। और एक चीज बता दूं, वो पूरा नेपाल है भाई, मतलब ये नेपाल, नेपाल है। कौन सी गुंजी है, गुंजी है क्या ये, गुंजी है साहब, तो भाई नेपाल वो है। ये देखो ब्रिज, और ये ब्रिज उस साइड में गुंजी है, गुंजी एक ओम पर्वत आदि या आदि केदार सॉरी ओम पर्वत आदि कैलाश का एक स्टॉप है, जहाँ पर होम स्टे वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और आराम से रुक सकते हैं। पहला स्टॉप करीब धारचूला से है ना, 85 किलोमीटर है। लेकिन यार सच में है ना, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इस यात्रा का, और यहाँ पे आके मेरे को सच में ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इतनी दूर आए तो काफ़ी अच्छी जगह है। वो देखो अभी अपना सामान है ना ऊपर डाला जा रहा है, क्योंकि बारिश आ रही है कि सामान ना भीग जाए। और अपनी गाड़ी भी देखो यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है, पीछे एकदम पहाड़ वहाड़, खतरनाक यार। हम जैकेट नहीं पहन रहे, लेकिन हमारे बैग को जैकेट पहनाया जा रहा है, हैं? बैग का जैकेट जरूरी है। व्यू देख लो यार, ये तो मतलब ऐसे पहाड़ मैंने लद्दाख में भी नहीं देखे। थोड़े मतलब लद्दाख में थोड़े गोल्डन रहते, और यहाँ पर देखो पूरा बर्फ, वहाँ पे तो एक है ना वाटरफॉल भी जमा हुआ है। और मैं बता दूँ कि यार अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है करीब 6 डिग्री है, हमको जाना है ऊपर पूरा। भाई पूरा मुंह ढक रखा है मैंने, क्योंकि सर्दी इतनी खतरनाक हो रही है ना सच में। केदारनाथ से भी ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सर्दी है केदारनाथ से, डबल ट्रिपल मान लो। मेरा हाथ भी कांप रहा है, केदारनाथ में मैं सहन कर पा रहा था इस बार, यहाँ पे सहन नहीं हो रही है। अभी अपन को वहां जाना है सामने, वहां पे है ओम पर्वत। और देखो सिर्फ यहाँ पे 2 गाड़ी आ रखी है अभी यात्रियों की, एक ये यात्री है और एक हम है बस। और आते ही थोड़ी वो स्नोफॉल ने हमारा स्वागत कर दिया, बस मजा आ गया। हालत खराब हो रखी है कसम से, बाहर का टेम्परेचर भाई बहुत ज्यादा कम है, माइनस में मतलब मेरे हाथ ना बाहर निकालते अजीब से हो रहे भाई, पूरा खतरनाक, फोन भी नहीं पकड़ रहे, शरीर वाइब्रेट हो रहा है, तेल गर्म रखो बस एकदम से यार। मतलब है ना गुंजी से और थोड़ा ऊपर जाएंगे ना तब जाके असली यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्ट होता है। खुल गया ओम पर्वत, खुल तो लगे ओम पर्वत। देखो धूप, महादेव को दर्शन देने ही पड़ेंगे देखो यहाँ पे, जब गर्म गर्म चाहिए तो। हाँ गरम गरम चाय दे दो, दे दो। आओ सर सर चाय, नमकीन देखो यार, इससे नमकीन से ज्यादा इसमें हवा भरी हुई है। और इसमें देखो लग मजा आ गया। ओम पर्वत का ट्रैक कुछ ऐसा है, सिर्फ इतना सा चलना है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये है ना बुद्धिज्म के फ्लैग लगे हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं पेड़ों पे पहाड़ों पे। और वो सामने है नंदी पर्वत, ऑक्सीजन लेवल बहुत जीरो है। बगई मोदी गुफा देखो नहीं बा छोटी, तो बंकर दी गए, बंकर है छोटा छोटा, सच में अजीब बढ़िया है भाई, खतरनाक। और हमारे आती है ना मौसम खुल गया, अगर मौसम नहीं खुलता तो आप यहाँ पे होम स्टे लेके रुक सकते हो। ये लो भाई एंट्री कर गए अपन बिल्कुल मंदिर के मेन गेट से, ये एक तरह का ओम पर्वत का मेन गेट है। बिल्कुल सही बात है, एक मिनट लो करो शक्ति बना के वीडियो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अपन आगे जाके वो भी बोलने वाले मंत्र भी है ना, बोलेंगे अभी 5 मिनट में। देखो सामने ओम पर्वत के दर्शन, अभी आधे ओम बना है, थोड़ा जूम करके आपको वो रहा, आप भी दर्शन कर लीजिए।
और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है जरा। देखो जस्ट मंदिर है शिवलिंग है, यहाँ लास्ट दर्शन कर लीजिए भाई, इससे ज्यादा मेरी हालत नहीं है, बस डमरू भी है और जैसल भी है, आप खुद आके दर्शन करो यहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पे बॉम्ब की आकृति अभी पूरी हट रखी है, किस्मत वाले की दर्शन करें यहाँ पे ना भी है, अलग अलग जगह महादेव की आकृति बन रखी है। और अभी अपन जा रहे हैं, पूरा काँप रहा है और ऑक्सीजन का काफी लेवल कम है, बस महादेव का नाम भी है, काफी अच्छा लगा मुझे। 5 गिलासों में से 1 गिलास हो गया। तो देखो इनकी दुकान है अपने ओम पर्वत के पास में, और ये इधर ही रहते हैं। 12 महीने इधर रहते हो? नहीं, 6 महीने जब यात्रा चलती है। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतनी ऊपर आके यात्रियों के लिए जितनी भी व्यवस्था होती है यहाँ पे सारी चीजें, हमने यहाँ पे नाश्ता किया, समोसा पिया, खाया और चाय पिया। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा सविता। सविता कहाँ से आप? गुंजी से, नीचे ना। और भैया आपका? दौलत सिंह। मनी आपके पास तो हर हर महादेव। फिर से आएंगे कभी? चलते हैं गाड़ी के अंदर, और काफी लेट हो गया यार। आज अपन गुंजी में रुकेंगे, गुंजी मतलब यहाँ का हेडक्वार्टर मान लो आप, कि यहाँ पे सारे लोग आत्री गुंजी में ही रहते हैं। और अभी फटाफट अंदर घुस जाते हैं, नहीं तो हमारा वो मेरे हाथ पूरे पता ऐसे हो गए थे यार। और अभी देखो ना ओम दर्शन दे रहे हैं। देखो मेन मंदिर यह है, मंदिर को स्वच्छ बनाए हेतु अपना सहयोग दे। जय माँ काली, आपके पास आ गए हैं, हमारा प्रणाम मानना, और महादेव की नगरी तो है ही यार। लो एकदम मंदिर के बिल्कुल पास में आपको दर्शन करा देते हैं माता के, काली माता का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो काली नदी है वो यहाँ से ही उद्गम है उसका, यहाँ से ही प्रारंभ होती है काली नदी माँ काली के चरणों से। और जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, शिवानंद स्वामी कैट गुरानंद स्वामी जी। माता के मंदिर में अपन ने काफी भजन किए, माता को याद किया, 5 भजन गाए अपन ने। ये ब्रिज है, और मैं बता दूं मंदिर काफी पुराना है, और जब यहाँ पे वेद व्यास जी ने तपस्या की थी उस समय माता ने उनके सपने में दर्शन दिया था कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और यहाँ की धरती पर देखो ना पूरा बर्फ से ढक जाता है, लेकिन फिर भी माता के आशीर्वाद से इस धरती पर उपजाऊ जमीन रहती है, यहाँ पे खेती होती है, यहाँ पे सब्जियां उगती है, सब चीज उग जाती है यार। तो ऐसा कुछ माता जी का यहाँ पर है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर गुफा भी है, और माता का मंदिर भी है, और आर्मी रह भी है ना। और मैं बता दूं कि जैसे धारा देवी है ना, 4 धाम की रक्षा करती है, वैसे ये यहाँ पर रक्षा करती है माँ काली। चलो अंदर, बारिश में यही है माँ काली नदी, देखो काली नदी यही है। और इसके पास जो पेड़ है काफी खूबसूरत लग रहे हैं, इसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर मेरे को लगता है ना माइनस से ज्यादा है भाई, जब बाहर इतना है तो अंदर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन भाई लोग जिद्दी कर रहे हैं कि भाई पानी के पास तो बैठना है, क्योंकि हम चले जाएंगे राजस्थान वापस, और ये हम नहीं चाहते कि एक भी चीज हम मिस करें और एक भी चीज छोड़े, हर एक फील लेना है और हर एक पानी को टच करना है। पानी है ना, हमारे उधर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, और ये ठंडा पानी हमको कहाँ मिलेगा राजस्थान के अंदर बताओ। ये देखो जाएंगे ये पानी के अंदर, पानी के अंदर ओ स्टार्टिंग, देखो 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 कितना ठंडा है पानी, पानी कितना ठंडा है, कितना कितना भाई साहब पानी बहुत ठंडा है, और पूरे अंदर चल गए भाई। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और ये देखो भैया मुंबई से आए हुए हैं, बारिश खतरनाक हो रही है देखो पूरी तरफ, काफी देर हो गई ओम पर्वत दर्शन करने के बाद में बारिश स्टार्ट होती, इतनी तो कृपा है भोले बाबा की अपने ऊपर। ये पापड़ लेके जा रहा हूँ मैं, और वहाँ पे सलाद कटवा रहा हूँ, फिर अपन खाना खाएंगे। ये होम स्टे है, ये क्या नाम है होम स्टे का? नपाल चू। अच्छा नपाल चू, देखो सलाद भी है, थैंक यू।